लखनऊ पुलिस ने तीन पढ़े लिखे लड़कों को 25 लाख की चोरी के मामले में गिरफ्तार किया, जबकि एक अभी भी फरार है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये सभी ने इस लूट को अंजाम दिया मौज मस्ती के लिए। पुलिस को इन पर शक तब हुआ जब बड़ी रकम खर्च करते ये तमाम लड़के दिखाई दिए। माँ बाप ने भेजा था पढ़ने, लेकिन जमाने की चकाचौंध और वक्त से पहले पाने की दीवानगी ने छात्रों को बना दिया चोर। पढ़ाई बिजनेस मैनेजमेंट की, लेकिन काम तिजोरी में सिंधमारी का। थाने में मुंह लटकाई खड़ी ये लड़कियां और उनमें से एक के बॉयफ्रेंड की करतूत सुनेंगी तो दंग रह जाएंगे। जिस किराए के घर में वो रहती थी वही मकान मालिक को चूना लगा दिया, एक दो लाख नहीं पूरे 25 लाख कैश ले उड़ी। लखनऊ पुलिस के गिरफ्त में खड़े ये बंटी और बबली घर से तो पढ़ने के लिए निकली थी, लेकिन रुपयों की लालच और महंगे शौक के चलते अपराध के दलदल में धंस गई। मौज मस्ती के लिए रुपए कम पड़ने पर मकान मालिक के घर चोरी कर डाली। मीनाक्षी लखनऊ के एक जाने माने कॉलेज से BBA की पढ़ाई कर रही है, जबकि दूसरी आरोपी अंकिता भी कॉलेज की छात्रा है। पास ही खड़ा है मीनाक्षी का बॉयफ्रेंड श्रीधर। इनका चौथा साथी शांतनु भी वारदात में शामिल था, वो अब तक फरार बताया जा रहा है। यानी वारदात में शामिल चारों पढ़े लिखे और बेहद अच्छे घरों से हैं, लेकिन जमाने के चकाचौंध और उसे पाने की इनकी दीवानगी ने इन्हें अपराध की दुनिया में धकेल दिया। एजुकेटेड लड़कियां हैं और जो इनका बॉयफ्रेंड है वो भी पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी कुछ जो भी इनकी ख्वाहिशें रही होंगी या अपने ऊपर जो भी ये खर्च करना चाहते होंगे उसके चलते इन्होंने ये चोरी का प्लान किया। पर पेशेवर चोरी करने वाले होते तब ना इतनी बड़ी रकम दबा पाते। जोश में चारों ने दनादन शॉपिंग करनी शुरू कर दी। लड़कियों ने अपने लिए स्कूटी खरीदी तो लड़कों ने बाइक। मीनाक्षी ने इन्हीं पैसों से मॉडलिंग के लिए मुंबई की सैर कर डाली। 24 घंटे में ही 1 लाख रुपए की रकम उड़ा दी। पूरी तिजोरी इन्होंने चोरी कर ली थी जिसमें करीब 25 लाख के करीब कैश था। इस कैश में से करीब 16.5 लाख ही कैश बरामद हुआ है और इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ खरीदारी की थी, बाइक वगैरह खरीदी थी उससे, वो सब बरामद कर लिया गया है। इसमें जो दोनों लड़कियां हैं वो अरेस्ट की गई हैं और एक जो उनका बॉयफ्रेंड था लड़का उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अभी एक अभियुक्त इसमें शेष है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास अभी जारी है। दरअसल लखनऊ के विभूति खंड इलाके में RPF कमांडेंट के घर 25 लाख रुपए की चोरी की खबर मिली। दोनों छात्राएं कमांडेंट के घर पर किराए पर रहती थी, जबकि कमांडेंट लखनऊ से बाहर दूसरी जगह पोस्टेड थे। किराए पर रहने वाली मीनाक्षी को मालूम था कि मकान मालिक की तिजोरी में बहुत पैसा है। फिर क्या था, उसने चोरी का प्लान बना डाला। वारदात को अंजाम देने के लिए दोनों अपने अपने बॉयफ्रेंड को भी शामिल कर लिया और मौका देखते ही डुप्लीकेट चाबी बनवाकर चोरी की घटना को अंजाम दे गए। लेकिन चोरी के माल से जिंदगी में आए चकाचौंध ने इन्हें पुलिस के रडार पर ला खड़ा किया। दोनों लड़कियों से कड़ाई से पूछताछ हुई तो कड़ी खुलती चली गई। आरोपियों के पास से 16 लाख रुपए कैश बरामद कर लिए गए हैं। वैसे यहां सवाल ये भी है कि कमांडेंट साहब के पास 25 लाख कैश कहां से आए। अभिषेक रस्तोगी के साथ अनुप श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।